वंदे मातरम भैया। और ये चुनाव आज लगभग समाप्त हो गया है, प्रचार। और मैंने देखा कि जब योगी जी आए और योगी जी ने जिस तरह से निजामों को इस देश से निकालने की बात कही, तो जो छोटा ओवैसी है उसको बड़ा मिर्च लगी और बोला कि नहीं, हम इसी देश में रहेंगे, ये देश हमारा है और हम इस देश पे राज करते आए हैं। क्या कहेंगे, ये क्या है? कई बार बोलते हैं भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, दूसरी तरफ कहते हैं ये देश हमारा है। आप क्या कहेंगे कि हमें कोई निकाल नहीं सकता इस देश से, किसी के बाप का नहीं? वैसे तो तेलंगाना में मेरे दो साले हैं, एक बड़ा साला एक छोटा साला। इनकी पार्टी का कोई मैनिफेस्टो ही नहीं है, ये चुनाव लड़ते तेलंगाना में। मैं समझता हूं इनका एक मैनिफेस्टो है जो पब्लिक में नहीं बताते। इनका मैनिफेस्टो है देश में फूट डालो, जिस देश का खाते उस देश से गद्दारी करो, भारत माता की जय ना बोलो, वंदे मातरम ना गाओ। ये इनका मैनिफेस्टो है जो लोग पब्लिक में नहीं बताते। क्या ये मैं आपको पेपर दिखाता हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि इनके पास मैनिफेस्टो नहीं है, उसका पेपर है ये। आज का सब्जेक्ट लिखो एरिया विकास। भैया एक बात और, के जब प्रधानमंत्री जी आए उसके बाद मैंने देखा कि लोगों ने बताया कि हैदराबाद के अंदर बरनौल की बिक्री बहुत बढ़ गई, और यहां तक बढ़ गई कि छोटा ओवैसी फिर बोल पड़ा कि प्रधानमंत्री के कान से पीप निकल आएगा, खून निकल आएगा, यहां तक बोल गया। इस पे क्या कहेंगे? इस तक इनकी हमारे छोटे साले भाई एक कमेंट करे प्रधानमंत्री मोदी जी पर, कहा कि मैं ऐसा बोलूंगा कि मोदी जी के खून कान से जो जो भी निकलेगा। अबे पहले डायपर तू चेंज कराने चाह रहा वो तो बोल। रोज आना मेरा छोटा साला डायपर चेंज करता है, क्योंकि इससे पहले एक पहलवान मोहम्मद पहलवान इसको खूब मारा था, भगा भगा के मारा था, कुत्ते का सा मारा था, ये कुत्ता बच गया। तो वो ऐसी ऐसी जगह पे जाके लगा, आज भी वो चार टाइम डायपर चेंज करता है। तो किसको जरूरत है, किसको कहां से खून निकल रहा है, ये हमारे छोटे साले भाई को अच्छा पता है। ये मोदी जी के ऊपर कमेंट करता है, अबे साले तेरी औकात ही नहीं है जो तू प्रधानमंत्री मोदी जी पे कमेंट करे। अगर तू ये एक बाप का औलाद है, अगर तेरी मां ने कहीं एक ही जगह जाके तुझे पैदा करा, अबे साले फेस टू फेस लड़ तो ले, हैंड टू हैंड आ जा, मीडिया में आता, असेंबली में आता, या तेरा घर का दरवाजा खुला रखता, तू बोल आई एम रेडी। अच्छा एक बात और बोलते हैं, वो एक तरफ कहते हैं कि 15 मिनट को पुलिस हटा दो तो हम 100 करोड़ हिंदुओं को दफना देंगे, दूसरी तरफ चुनाव के ठीक पहले ओवैसी का बयान आता है कि मेरी जान को खतरा है। ये क्या है रहा, ये कुछ समझ में नहीं आता। इसकी जान को खतरा, अब कुत्तों की भी जान को भी खतरा रहेगा क्या? कुत्ते पकड़ने की गाड़ी घूम रही बेटा, पहले छुपके रहे। और ये दूसरी तरफ कहते हैं कि अगर मोदी जी की हिम्मत है तो मेरे सामने चुनाव लड़के दिखाएं। तेरी गाड़ में दम है तो मेरी विधानसभा में चुनाव लड़के बता। तू मोदी जी को छोड़, अगर तेरी गाड़ में दम है मेरी घोषा में विधानसभा में आ जा। अबे सालो तुम तो आते नहीं, तुम्हारा कैंडिडेट भी तुम लोग नहीं उतरते मेरी विधानसभा में, इतना सालो डरते अपने जीजा से, जीजा से इतना डर। अरे वाह। अच्छा एक आपकी विधानसभा से ही मैं कल आपके साथ पहुंच नहीं पाया, आप तक मिल नहीं पाया, मैं कई जगह घूम रहा था तो मुझे पता चला कि यहाँ पे कई ऐसी जगहें जो वास्तव में सरकारी संपत्ति खाली पड़ी हुई है, उन जगहों पे ये लोग शुरुआत करते हैं कब्जा करने की। पहले नमाज अदा करते हैं, फिर एक मजार बना देते हैं, फिर हरी चादर डाल देते हैं, और मुझे पता चला कि कई पूरे हैदराबाद में सैकड़ों हजारों जगहों पर ऐसे ही मस्जिदें, आज ऊंची ऊंची मस्जिदें खड़ी कर दी गई हैं। क्या गौसा महल से अगर ऐसा कोई केस निकल के आता है, और चूंकि अब आप एक बार फिर आपने कहा कि आप मुझे यहां से जिस तरीके से मैंने देखा और मैं खुद घूमा हूं तो आपकी विजय सुनिश्चित दिखाई दे रही है, मैं उसमें यह भी नहीं कह सकता कि अगर आप जीते, क्योंकि आप जीतने वाले हैं, तो इस पे आप क्या कार्यवाही करेंगे, क्या कार्यवाही करने वाले हैं? जिस तरीके से ये धर्म के नाम पे जो जमीनें हथियाई गई हैं, सरकार की जमीनें हैं, वो वास्तव में आपकी विधानसभा की जमीनें हैं। 2014 से पहले अगर ये लोग किसी गवर्नमेंट लैंड पे कब्जा करे तो उससे मैं कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन 2014 के बाद में एक इंच भी हमारे साले भाई ने जगह नहीं कब्जा करी और ना ही करने देंगे। दूसरी बात, इनकी जो ऑफिस है, जो हेड ऑफिस है, वो इंदिरा गांधी के पैर हाथ पकड़ के इनके अब्बा ने गिफ्ट में ले लिया,
यानी गिफ्ट में मतलब उसका सालाना एग्रीमेंट है उसका, ये लोग सालाना पैसे बनते गवर्नमेंट को, वो एग्रीमेंट है वो किराए पे है और ये लोग गवर्नमेंट के लैंड कब्जा नहीं करते। हाँ, वक्फ बोर्ड लैंड जैसे हिंदुओं में हमारे मंदिरों के लैंड होते हैं, जी एंडोमेंट लैंड होते हैं, वैसे ही मुसलमानों में वक्फ बोर्ड लैंड होते हैं, वक्फ बोर्ड की जो लैंड होती है, जिसकी रक्षा करना इनका कर्तव्य बनता है, ना कि ये लोग रक्षा करें। हजारों एकड़ों में मुसलमानों के मस्जिदों के लैंड ये साले बेच के खा गए। नहीं, अगर आपकी विधानसभा में कोई ऐसी लैंड निकल के आती है जिसपे अवैध कब्जा करके इन्होंने मस्जिद बना दी हुई है, फिर उसका क्या करेंगे? उसका क्या करें? जिस दिन बीजेपी की सरकार बनेगी उस दिन तोप लगा के उड़ा देंगे। जिस दिन बीजेपी की सरकार बनेगी। अच्छा, एक पहले बार मैंने आपसे सवाल पूछा था जब अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में पहला सवाल, तो उसका आपने जवाब नहीं दिया कि वो कहते हैं निजाम भगाने की बात पे, जो मोदी योगी जी ने कहा कि निजामों को भगा दिया था वो वैसी को भी भगाएंगे, तो वो चीख चीख के कह रहा था कि किसी का बाप नहीं भगा पाएगा, इस पे आप क्या कहते हैं? अगर ये जो लोग हैं जो देशद्रोहियों का समर्थन करते हैं, सेना पे पत्थर फेंकने वालों का समर्थन करते हैं, टुकड़े गैंग भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह के नारे लगाने वालों का समर्थन करते हैं, इसरत जहां को अपनी साली समझ के समर्थन देते हैं आतंकी को, याकूब मेमन हो या मतलब अफजल हो या अजमल हो या जाकिर हो, इन सबके समर्थन में ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे इनके सगे चाचा ताऊ के बेटे हों, तो इन लोगों का क्या करें? ये निजामों के लिए जब ऐसी बात आती है और ये पूरे तंत्र पे सवालिया निशान खड़ा कर देते, किसी का बाप नहीं। इशरत जहां जैसी भारत देश में जितनी भी लड़कियां हैं वो मेरी रांडा है। पर वो तो अपनी साली बोलते हैं। अरे मेरी रांडा है यार, उसकी साली होगी, मेरी तो रखेल है ना। दूसरी बात, योगी जी ने कहा है कि जैसा निजाम को भगाया वैसे तुम्हें भगाया जाएगा, ये बिल्कुल सत्य है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तेलंगाना में बनेगी तो हम भगाने की जरूरत नहीं, ये साले खुद अपना बोनता बिस्तर पकड़ के भाग जाएंगे। अच्छा, कुछ मुझे सुनने में आया कल कुछ लोग कह रहे थे कि भाग